नमस्कार दिनार गुरुत्वपूर्ण खबर अर्गस प्राइम ओडिशा को स्वागत करुछि मु शक्ति साई मिश्र ब्रिटेन को आगे ना कि प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस ओडिया पो सुबेदार नुदुराम को मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान ओडिशा पुलिस सुधीर टुडु और देवाशीष सेठी को मरणोत्तर सूर्यचक्र सम्मान गलवान संघर्ष में शहीद सैनिक मान सम्मानित कले राष्ट्रपति केन्द्रापड़े खोलला स्वास्थ्य सेवार पोल फैमिली प्लानिंग अस्त्रोपचार पर शह शह महिला सोई पाल उपर हॉस्पिटल करिडर भितर कांदुची मां कुंभकर्ण निद्रे स्वास्थ्य विभाग ममिता मेहर प्रसंग न्यारे घी ढाले पूर्वतन मंत्री दामोदर राउत नीति और नैतिकतार कथा कही दामों तेरछा बाण राज्य सरकार को टारगेट कले विरोधी विधानसभा प्रश्नकाल बेले होहल्ला करें विरोधी बाचस्पति इशारा पर विरोधी शिविर में कंपन विरोधी स्वर चापा कि उद्यम सरला बीजेपी पदाधिकारी बैठक पंचायत निर्वाचन पर रणनीति प्रस्तुत स्थान पाइला अनेक संवेदनशील प्रसंग आसंका बीजेपी राज्य कार्यकारिणी बैठक हाथी उत्पात को नहीं आठगड़े फरेस्टर सम्मुख में चाषी आत्महत्या उद्यम हाथी दलबारू व्यापक फसल नष्ट वन कर्मचारी अवहेला को दायी कले चाषी अनुष्ठान पुणी पशिला कोरोना भीमसार 29 छात्र छात्री कोरोना पॉजिटिव सुंदरगढ़ छात्री निवास रे कोरोना आतंक 50 रु अधिक छात्री पॉजिटिव राज्य सरकार चाषी को डीप बोरवेल देवाकु घोषणा करदे अधपंतरिया पंप न लगाई 10 वर्ष पर विद्युत बिल पठाउछंती सरकार खुलला उच्चा जलसेचन सत अनुगुण फाललहड़ू अर्गस ग्राउंड रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गलवान संघर्ष में शहीद सैनिक मानू वीरत्व सम्मान सम्मानित करिया पु सुबेदार नुदुराम को मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान सम्मानित कर नुदुराम गलवान घाटी में चीन सेनार सह लड़ी शहीद होते सेपरी ओडिशा पुलिस सुधीर टुडु और देवाशीष सेठी को मरणोत्तर सूर्यचक्र सम्मान सम्मानित कर कलाहांडी जिले में माओवादी मुकाबला रे हराई माने जीवन से असाधारण वीरत्व और पराक्रम पाई अति विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान करा जाय छी सेनाओं की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्माण करते हुए राष्ट्र हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिए स्वर्गीय नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी मणि सोरेन ओडिया पुओ सुबेदा नुदुराम को मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान गलवान घाटी रे चीन सेनाक सह लड़ी होइतिले शहीद ओडिशा पुलिस सुधीर टुडु देवाशीष सेठी मरणोत्तर शौर्यचक्र सम्मान रे सम्मानित कलाहांडी जिले में माओवादी मुकाबला रे हराइतिले जीवन गलवान हीरो शहीद संतोष बाबू को मरणोत्तर महावीर चक्र असाधारण वीरत्व पाई गलवान रा शहीद मानंकु मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान अद्वितीय पराक्रम पाई सुबेदार संजीव कुमार को मरणोत्तर कीर्ति चक्र सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गलवान संघर्ष रे शहीद सैनिक मानंकु वीरत्व सम्मान रे सम्मानित करिछंती ओडिया शहीद सेना अधिकारी नायब सुबेदार नुदुराम सोरेन को आज मरणोत्तर वीरचक्र रे सम्मानित करा जाइछि मयूरभंज माटी गर्व गौरव और साहसी पुओ शहीद नुदुराम को सर्वोच्च बलिदान पाई आज राष्ट्रपति भवन रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीर चक्र रे सम्मानित करिछंती वीर शहीद का वीर चक्र सम्मान पत्नी लक्ष्मी सोरेन राष्ट्रपति ग्रहण करिछंती गत वर्ष नुदुराम गलवान घाटी रे ऑपरेशन लियोपार्ड समय वीरत्वर सह चीन सेनांक सह लड़ी शहीद होइथिले फोन आसला मत पचारे घरे किए अच्छा बोली मान
तुम्हें एका अच्छ कि जड़े अच्छा तो मुझे आम छुआ सहित तो मुका अच्छी मत आनी मु पचार बहुत कहली कौन हैला बोली मु भाई मान को फोन कली जे एमती फोन आसला जे कौन हैला बोली मत तो किसी जनईले बोली आ नंबरटा को मु देली तो भाई मैंने पचारला तो से मन को कहले आमती खबर है से मानको जाना पड़ला जे एमती घटना हो जाइछि बोली आउ मते केही कहि लेनी। कलाहांडी जिल्ला रे घंच जंगल अंचल रे माओवादी मानक सहित घमाघट मुकाबला रे जीवन हरायतिबा ओडिसा पुलिस रो कमांडो सुधीर टुडु ओ देवाशीष सेठी को मरणोत्तर शौर्य चक्र रे सम्मानित करा जाइछि। मो पुको मुई बहुत कष्ट बहुत दुख करी मुई पाठा साठ पढ़ाई करी पाठ पढ़ाई बाप है सम्मान आज तक आज मो पुआ बलिदान दे न था मुझे बाप को सम्मान भगवान मत आज विज्ञान कला गलान हीरो सहित कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोत्तर महावीर चक्र प्रदान करा जाइछि। गलवान संघर्ष बेले कर्नल संतोष बाबू भारतीय सेना दल नेतृत्व नहीं अतुलनीय वीरत्व प्रदर्शन करथिले। सेही परी गलवान संघर्ष बेले शहीद होइतिबा हवलदार के पिलानी सिपाही गुरतेज सिंह और नायक दीपक सिंह को मरणोत्तर वीर चक्र प्रदान करा जाइछि। 2020 जून 15 रे होइतिबा गलवान संघर्ष रे 20 जन भारतीय सैनिक शहीद होइतिले। सेही परी असाधारण वीरत्व और पराक्रम पर अति विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवार मेडल प्रदान करा जायतिला। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अन्य खबर को आसीबा नाही नाही रे चली छे स्वास्थ्य सेवा। सरकार स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबार बाहस्फोट मारुथुआ बेले स्वास्थ्य विभाग पोल खोली जाइछि केन्द्रापड़ा जिलार। राज्य राजनीतिर प्राण केन्द्र कहुवा केन्द्रापड़ा जिलार आसी अभावन दृश्य। फैमिली प्लानिंग अस्त्रोपचार परे सह सह महिला सोइछंती पाल उपरे ना अच्छी बेडसीट व्यवस्था ना अच्छी अन्यान्य सुविधा सुजोग। हॉस्पिटल कॉरिडोर भितरे माँ कांदुथुआ बेले ए स्वर किंतु पहुंची पारुनी स्वास्थ्य विभाग पाखरे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रु आरंभ करी जिला हॉस्पिटल जाए सबुठी व्यापक समस्या थिबा बेले कुंभकर्ण निद्रारे स्वास्थ्य विभाग। पदारे पड़ा स्वास्थ्य व्यवस्थार विकल चित्र उपात नुहे उपकूल आसला अभावन चित्र। फैमिली प्लानिंग अस्त्रोपचार शिविर में व्यापक अव्यवस्था। करोना महामारी बेले पालरे सोई रहिले शह शह महिला। राज्य राजनीतिर प्राणकेंद्र कहुवा केन्द्रापड़ार आली अंचल आसी दृश्य। खोद शासक दलर पावरफुल विधायक प्रताप देव को निज निर्वाचन मंडल में एभली दृश्य देखा मिलता बेले स्वास्थ्य विभाग पारिबा पड़िया को पुणि थे आंगुल उठी अविवाद को आसी खोद स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास। गणमाध्यम सबुबले बाहस्फोट मारुवा नवों टीम केते काम करुच्चर नजर पका। यह दृश्य हूँ केन्द्रापड़ा आली अंचल अस्त्रोपचार पर केमी पालर शोई रही शह शह महिला देखु ना मिली बेडसीट टीए ना आवश्यक व्यवस्था अच्छी एपरिक बारंबार विद्युत काट भी होगी जहाँ को नहीं साधारण असंतोष देखा दी। आली अंचल दृश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवार पोल खोली जहाँ को नहीं असंतोष व्यक्त करते केन्द्रापड़ा अंचलवासी केन्द्रापड़ावासी को राज्य सरकार धोखा दे थिबार अभियोग आसी। आलीर एक गोटे दृश्य भात हांडी गोटे भात भली खोली देछि सारा जिलार स्वास्थ्य सेवार पोल को। सरकार कोटि कोटि टंका योजना कर स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र भाव किंतु स्वास्थ्य प्रति जत्नवान लोक के बुझुना
मो सरकार है सब हूँ कौ मेडिकल सब सेवा ठीक से मिलूँ कि ना सेटा भी देखुना। विधायक प्रताप देव, अतुल सब्यसाची नायक, शशि भूषण बेहरा, ध्रुवचरण साहू, सावित्री अग्रवाल और सांसद अनुभव महांती परी विधायक और सांसदों पर पणिया एवं पदार पड़ी। पावरफुल कॉरिडोर रो पावरफुल मैन हेले भी निज अंचल स्वास्थ्य सेवार समाधान करिबारे विफल। राज्य लोकसेवा भवन रु मात्र 100 किलोमीटर दूर मध्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकल चित्र पदक आसवा पर स्पष्ट हो जाएगी राज्य में केमिति चली स्वास्थ्य सेवा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ममिता मेहर हत्या घटन अठाकाठी सरकार राज्यव्यापी चली हल्लाबोल आउ ए परिस्थिति रे सरकार को तेरछा बाण मारी चर्चा को आसी पूर्वतन मंत्री डाक्टर दामोदर राउत आउ दामंक निशाना रे पुलिस विभाग सह मंत्री नीति और नैतिकता नीति और नैतिकतार कथा कह बिजेडी उपरे हमला कर दाम आहाकू नहीं सरकार को टार्गेट कर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस। ममिता मेहर प्रसंग को नहीं राज्य जलुता बेले निरे घी ढाई पूर्वतन मंत्री दामोदर राउत दामों विस्फोरक बयान आज बीजेडी शिविर में पकाई बोमा आ सीधा सीधा नीति नैतिकता कथा उठाई बीजेडी उपरे बर्षि दिव्यशंकर मिश्र जदि नैतिकता कथा से चिंता करेंगे सी दोष करमता सुचिता देवे सी जदि निर्दोष दोष करना अन्य दोषी भी कहले सी कौन ग्रहण करेंगे सी विद्रोह करेंगे। दीर्घ दिन हम मुखिया गृहराष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को घंट घोड़ा बेले दाम कितु सीधा सीधा टार्गेट आ दाम निशाना पावर कॉरिडोर बाबू मान उद्देश्य नुहे तो यह उठी प्रश्न आ दाम सीधा सीधा पुलिस सीआरपीसी को उल्लेख कर पुलिस विरोध में आंदोलन करने विरोधी को आह्वान करने घटन पुलिस डीजी अभय को टाणी काठगड़ा को विरोधी जदि आंदोलन करने पुलिस विरोध में आंदोलन करने को आह्वान दे दाम दामों स्वर मुखिया पाख लोक विरोध में नुहे तो कहार नीति को नहीं दाम उठाइले प्रश्न कहार नीति भ्रष्ट हो राजनैतिक महल में सृष्टि अनेक प्रश्न तदंत कर कार्यानुषान करने दायित्व कार पुलिस आमर पुलिस मानुआल सीआरपीसी आईपीसी तार कार्यकारी क्षमता हूँ पुलिस डीजी मंत्री नुह तेणु जदि से बाबद शीतलता प्रकाश पाँच जदि तदंत ठीक हो पुलिस जदि दोषी की घंट घोड़ी तेल ये विरोधी दल मैंने आगे पुलिस विरोध में आंदोलन करने कथा डीजी को बहिष्कार दावी करने कथा से उल्टा कथा मुख्यमंत्री कहीं दायी कर नैतिकता हूँ गोटे व्यक्तिगत विषय मोर नैतिकता कौन हम से कथा मुझ स्थिर करी मो पर तो आज जन के नदी दे पार नहीं तेणु दिव्यशंकर मिश्र जदि तर नैतिकता कथा से चिंता करेंगे सी दोष करमता सुचिता देवे और सी जदि निर्दोष दोष करना अने दोषी भी कहले सी कौन ग्रहण करेंगे सी विद्रोह करेंगे। गोटेपटे सरकार को उपरे दामो तेरछा बाण मारी बेले सरकार को सीधा सीधा अटाक विरोधी बीजेपी और कांग्रेस ममिता को नहीं सरकार बदनाम ममिता को नहीं बीजेडी बदनाम आउ बीजेडी को मंत्रिमंडल बदनाम आउ ममिता पुलिस विभाग बदनाम होता बेले मुह लुचाई एवं बीजू जनता दल ड्रामा करुवा अभियोग विरोधी आईआईसी जड़े इनक्वारी कर गृहमंत्री उपरे ये प्रकार जो कंट्रोवर्सी या भारतीय जनता पार्टी तत प्रथम कही आसी एणु ये अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग भारतीय जनता पार्टी सीरीयसली या नौ विधानसभा निश्चित भाव में ये कथा को विधानसभा प्रश्न भी पचार विधानसभा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हिसाब से आसब जहाँकि संपूर्ण भाव डाइवर्ट करने बाट बला करने जो राज्य सरकार निष्पत्ति नौ आम चैलेंज करूँ विधानसभा डीजी उपर मु प्रश्नवाची उठाई कांग्रेस भवन रे मु प्रेस मीट रे कही थी डीजी तुरंत इस्तीफा देवा दरकार बोली कही थी। ममिता मेहर प्रसंग को नहीं अठाकाठी सरकार
सारा राज्य रे प्रतिवाद, मुख्यमंत्री और मंत्री गस्त को नहीं अंडामाड़ सह चली कला पताका प्रदर्शन। सबुदिन केउछिना केउठी मंत्री माने होउछंती हटहटा और यह स्थित आसंता का मुख्यमंत्री पुरी गस्त पुरी एक प्रकार लगी अघोषित फतुआ। भुवनेश्वर स्वप्नांजलि महांती रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसंता एक तारीख रु बसवाक जाऊँ विधानसभा शीत अधिवेशन, तेरे विधानसभा प्रश्नकाल बेले होहला करे विरोधी बाचस्पति इशारा पर विरोधी शिविर में कंपन सृष्टि हो स्वर चापीबा को उद्यम करा अभियोग आनी विरोधी। विरोधी स्वर चापीबा को उद्यम विधानसभा प्रश्नकाल बेले हो हल्ला करें विरोधी बाचस्पति इशारा पर विरोधी शिविर में कंपन। आसंता एक तारीख रु बसवाक जाऊँ विधानसभा शीत अधिवेशन, विभिन्न प्रसंग को नहीं राज्य सरकार को घेरवा को विरोधी सजवाज होता बेले राज्यपाल अभिभाषण और प्रश्नकाल समय कौन विधायक हो हल्ला करें सूचना देखते बाचस्पति। किसी दिन तेज सिमलारे होता बाचस्पति बैठक में सर्वसम्मति क्रमे निष्पत्ति होती है आसंता 29 तारीख में बसवाक सर्वदल बैठक में समस्त दल को सूचाई दिजा। विधानसभा अधिवेशन बसला बेले कौन सी दिन राज्यपाल भाषण किंवा प्रश्न उत्तर समय विधायक मैंने डिसिप्लिन से कार्यक्रम हाथ को ने सबू दल मान कहवाई बाचस्पति निर्देश दिखाई गत राजनीतिक दृष्टिकोण बाहर कौन हो पाए कि विधानसभा भितर आ विधानसभा रो परंपरा को रक्षा करने आई दुईट जिनस निहाती भाव शेष होगा दरकार। यहाँ सर्वसम्मति क्रमे हालिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पास सेबड़े बाचस्पति निष्पत्ति को ग्रहण करने मूड में नहांती विरोधी। पूर्व योजना अनुसार विभिन्न प्रसंग को नहीं प्रश्नकाल हो हल्ला और नाराबाजी कर सरकार को घेरी था विरोधी। जदि प्रश्नकाल विरोधी को मत रखार सुजोग न मिले तेरे सरकार को किपर घेरिए नहीं चिंतार विरोधी। सर्वदल बैठक में यह विरोध करने विरोधी भाव चुप रहीबुना बोली बीजेपी कही बेले कांग्रेस रो मत गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे आलोचना पाई अनुमति नदेले प्रतिवाद हेबो। सेबड़े बीजेडी कहिछि शांति श्रृंखला रे प्रश्नकाल चलिले लोकंक पाखकु सठिक वार्ता जीव किंतु गोटे कथा हला जे विरोध दल रो विरोध दल ता भूमिका निभेइबो एवं सरकारी दल सरकार जहा करियाक्ता से ताको कथा निभेइबे। आमे सरकार तो 100% से तो सती नहुंती हजारे काम मिछ कथा करछंती दुर्नीति करछंती 5T नारे एणु भारतीय जनता पार्टी विधायक दल निश्चित भाव में विरोधर भूमिका निभेइबो। भूमिका निभेबार समय से किभरी भाव में निभेइबो से कथा आलोचना हेलापर ही निष्पत्ति नियाजिबो। बाचस्पति महोदय को अनुरोध करी से विजु जनता दल बाचस्पति न होवंतु जे कोनसी इश्यू आसिले ताको आलोचना करिवा पई अनुमति दियंतु बाचस्पति महोदय। यदि बाचस्पति महोदय अनुमति न दियंती ताले निश्चित भाव में गृह हवाला हवाटा हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जहाँ निष्पत्ति समस्त ग्रहण करवा उचित कारण आपण जानुथिबे जे विधानसभा जो मान एवं विधानसभा विधानसभा चलता बेले लोकों जो आशा भरोसा ये से समस्त आलोचना हम प्रश्नकाल समय जो प्रश्न पचराई तार सठिक उत्तर किभली पाइबे एवं जहाँफल ये लोकों पाखे किभली ठीक भाव पहुँच तेज सांविधानिक विशेषज्ञ मत विधानसभा विरोध नारे गंडगोल करवा ग्रहणीय नुहे। तेज सांविधानिक विशेषज्ञ मत विधि व्यवस्था अनुसार विरोधी विधानसभा निज स्वर को शाणित करें बड़े लोकंर स्वर को संख्या बल में चापी देवाई उद्यम है विरोधी दल भूमिका रही निज निज बागरे से स्वर को उत्थापित करेंगे। गत 7-8 वर्ष भितर जहाँ देखा दे जितेबले भी
ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଅଡ଼ୁଆଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ। ସେଇଠି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ବିଧାନସଭା ଯେତିକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦିନ ଛଅ ମାସ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁ, ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଆସେମ୍ବ୍ଲିଟି ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେବ, ଆଲୋଚନା ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେବ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଚଳିତ ଥର ବିଧାନସଭାରେ 26 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ତେବେ ମମତା ବେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେହିପରି ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବା ସହ କିଛି ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ କିପରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ। ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ସ୍ଥଳସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବେ ସ୍ଥଳସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସେନାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜ ଡେରାଡୁନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖଡ଼କ ବାସଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଡେରାଡୁନ୍ରୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ଶେଷ କଲାପରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 12 ଜୁନ୍ 1982 ରାଜପୁତ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ନିଜର ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସରିଲା ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ରହିଛି। ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି, ମହିଳା ସମସ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ପୁଲିସର ଅପାରଗତା, ପିସି କାରବାର, ପରସେଣ୍ଟେଜ ନେଣଦେଣ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ହରିଲୁଟ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁବାଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ଆଉ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲଢ଼େଇ କରିଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। DG, DIG, SP ଏମାନେ ସବୁ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଭଳିଆ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପରିକଥା ହେଉ, କୁନ୍ଦୁଳି ପୀଡ଼ିତା କଥା ହେଉ, ଏବେ ମମିତା କଥା ହେଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ବିଷୟ ରହିଛି, PC ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି PC କାରବାର, ପରସେଣ୍ଟେଜ ନେନ୍ ଦେନ୍, ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରପ୍ଟ ଆଚରଣ ରହିଛି,
जो भली भावरे काम कम आउ पीसी कारबार बेसी होउछि ए कथा को मध्य भारतीय जनता पार्टी आसंता कालीर कार्यकारिणी रे उठेबो ए विषय आज आलोचना होइछि। हाथी मणिष लड़े अनेक समय हाथी आक्रमण में मणिषर जीवन जाऊँ तो केत मणिष हाथीर मृत्यु होठगड़े जनवसति मुहा हाथी गाँव में पशि व्यापक फसल नष्ट जहाँ को चिंता बढ़ी एपरिक जड़े चाषी क्षति सही नपारी फरेस्टर सम्मुखें आत्महत्या उद्यम कर वन विभाग अवहेला जो हाथीफल गाँव में पशि व्यापक क्षयति घटाई अभोग हो जंगल रु बाहरी हाथी जेतेबेले गाँ मुहा हेउछि सेतेबेले स्थिति संगीन होई पडुछि। स्थिति एपरि हेउछि जे मनुष्य आत्महत्यार बाट आपणेबाकु बाध्य हेउछि। ए दृश्य को देखंतु फॉरेस्टर को आगरे चासिंग को आत्महत्या उद्यम कटक जिला आठगड़ ब्लॉक लिंगापदा ग्रामर ये हूँ चित्र। एकर एकर धान जमि में फसल नष्ट धान जमी को दली चकटी नष्ट हाथी चाषी माने निजर क्षति होता फसल वन कर्मचारी को देखा बेले राकेश दलई नामक चाषी जनक विष पी आत्महत्या करने को उद्यम करते आज फॉरेस्ट ऑफिसर मान को आखला बेलू सी खाली कहते कागज पत्र दि सी कागज पत्र दे कौन मत पांच हजार टाँचा देवे कि मोर तो ये वर्ष जाक आहार गला मो छुआ पिला आज्ञा हाड़ी घरे पशि मुझ करज कर लक्ष दु लक्ष टा आन चार एकर लगे थी आबिका मुझा हाथी घाटी दे कि चली गले मुझे कौटी करज सुझी तेणुक मु तो मरीगले हाथी मनीष लड़े में केतबेले हाथी बली पड़ी तो आउ केत मनीष आसे फसल आठगड़ चाषी अभोग है वन कर्मचारी अवहेला जो एकर एकर धान जमी को नष्ट हाथी हाथी और बारहा उपद्रव यही अंचल में बढ़ी चली बेले एने बारंबार अभोग सत्वे फसल को सुरक्षा दि जा दुनिया मरीजी जा मुज करसवास करी मो दुख कई बुझे से फरसला कहते तुम आम तुम कंपनसेस देव आज कंपनसेस देखा साढ़े तीन हजार चार हजार आज भितर दौरान आज्ञा मुझे देढ़ लक्ष दु लक्ष टकर धान आज्ञा पाई मोर पर बर्षक खाई आज्ञा सब जगह पलि गला रेजर को कहलु आज्ञा बारा सब आस बिल घाटी सारे खाई सारे किसी आज रखि ना ना तुम फरेस्ट पाओ कर फरेस्ट को कहलु फरेस्ट कल तुम गार्ड को कह गार्ड को कला गार्ड कह पा मुझे पठेबी अम करी डिंकी के आसिले आती आसिक तो हाथी पंद्रह घर एकाथर पशि सब खाईगले जंगल और परिवेश मंत्री विक्रम केसरी आरुक विधानसभा रखि उत्तर अनुसार 2010-11 मसीह 2020-21 मसीह मध्य राज्य में मोट 843 हाथी मृत्यु हो वन्यप्राणी मनीष लड़े में 2015 मसीह 2020 मध्य 360 जन हाथी मृत्यु होता बेले 699 जन मनीष प्राण हर विगत 10 वर्ष में हाथी मनीष विवाद समाधान पर वन्यप्राणी संस्था तरफ कार्यकारी करा केन्द्र और राज्य सरकार कांपा योजन होता खर्चर बरणी किपरि 10 वर्ष में मोट 1,070.69 लाख टंका खर्च हो 2019-20 में सर्वाधिक 241.38 लाख टंका खर्च होते अर्थराशि खर्च होता सत्वे हाथी मनीष संघर्ष पूर्णच्छेद पड़ पारिना जहाँकि हाथी सुरक्षा और मनीषों सुरक्षा नहीं बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर ब्यूरो इनपुट सह आठगढ़ सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।